हे गाइस, इट्स मी रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। आज की हमारी रेसिपी है मानचाओ सूप। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे हिट कर दें और उसी के पास में एक बेल आइकन होगा, उसे भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले नोटिफाई हो सकें। तो चलिए हमारा आज का मानचाओ सूप बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए लेंगे कटी हुई गाजर, हरा प्याज, पत्ता गोभी, हरा धनिया और प्याज। एक पैन में हम सबसे पहले एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इन सब को अच्छे से मिला लें। हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इन सब को अच्छे से बॉईल होने दें। अब इसको हम छान लेंगे। ये हमारा वेजिटेबल स्टॉक बनके तैयार है। सूप के लिए हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, वेजिटेबल चॉप, कॉर्न स्टार्च का पेस्ट, रेड चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस, ब्लैक पेपर, अजीनोमोटो, शुगर और नमक, बॉइल्ड नूडल्स। इन बॉइल्ड नूडल्स को हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये हमारे फ्राइड नूडल्स तैयार हैं। हम एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें अपने चॉप्ड वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, ब्लैक पेपर, अजीनोमोटो और शुगर। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इसमें ऐड करेंगे विनेगर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, अब इसमें अपना वेजिटेबल स्टॉक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से बॉईल होने दें। हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च का मिक्स। हमारा सूप बनके तैयार है। अब हम अपने गर्मा गर्म मानचाओ सूप को सर्व करेंगे एक बाउल में। और अब इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ और फ्राइड नूडल्स से। लीजिए, हमारा वेजिटेबल मानचाओ सूप बनके तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।